नमस्कार अमरीजनों, आप देख रहे हैं स्वीटी पाठशाला। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम सभी के लिए एक गुड न्यूज है, और बहुत दिनों से मुझे मैसेज मिल रहे थे, बहुत सारे वीडियोज के कमेंट्स भी थे। जब जेएनयू ने अपना पीएचडी फॉर्म निकाला था, उस समय से अभी तक बच्चे जो है वो बीएचयू के पीएचडी फॉर्म का इंतजार कर रहे थे। फाइनली अभी आपके सामने फॉर्म अवेलेबल हो चुका है, अब आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। लेकिन फॉर्म भरने से पहले वो कौन कौन से ऐसे समस्याएं बच्चे बार बार फेस कर रहे हैं, उसके बारे में भी मैं बातें करूंगा, और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा वो कौन कौन सी बातें हैं जो आपको ध्यान देनी है। ठीक है, तो बीएचयू ऑनलाइन पोर्टल आप लोग ओपन कर ही लेते हो। फाइनली ये ऑफिशियल वेबसाइट है उसका, जहां से फॉर्म फिलअप करना है। बीएचयू ऑनलाइन गूगल पे जाइए, बीएचयू ऑनलाइन ओपन कर लीजिए, स्क्रॉल करके नीचे आइए। यहाँ पे आप आते हो तो बीएचयू पीएचडी 2023-24 लिखा हुआ है। यहां से फॉर्म भरने के दो रास्ते बनाए गए हैं, यहीं से आपको बातें समझनी है और ध्यान देनी है। मैं आपको इससे पहले जो वीडियो दिया था कि पीएचडी का जो पेपर है वो किस तरीके से होगा, मैं पेपर देने की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये पूरा एक न्यू बुलेटिन आ चुका है। पुराने पीएचडी एडमिशन प्रोसीजर से ये बहुत ही अलग है। अब आपको फिर से पेपर देना है, जबकि आपने नेट क्वालिफाई कर लिया। आप भले जेआरएफ फेलोशिप लेने जा रहे हो, चाहे आपने सीयूटी जो एनडीए था, पीएचडी वाला जो एनडीए लिया था वो आप दे चुके हो, फिर भी आपको एक पेपर देना है, तो वो वीडियो भी देख लीजिएगा। यहाँ पे जो दो रास्ते बनाए गए हैं, एक है रेट 2023, रेट 2023, और यहाँ पे एक है रेट एग्जामटेड 2023। ये रेट एग्जामटेड रेट पुराना नाम ही अभी एज इट इज लिखा गया है, आगे चल के हो सकता है यहाँ बदलाव हो जाए, इसलिए कि बच्चे कंफ्यूज ना हो। हम लोग वर्षों से रेट रेट बोलते आए हैं। ठीक है, यहाँ पे जो ये वाला प्रोसीजर है, ये है जिन बच्चों ने पीएचडी एनटीए जो कराया था, जिसमें जेएनयू, डीयू, बीएचयू बहुत सारी यूनिवर्सिटीज थे, वो बच्चे यहां से अप्लाई करेंगे। हो सकता है जो बच्चा इस फॉर्म को फॉर्म फिलअप कर रहा है वो नेट क्वालिफाइड हो, नेट के थ्रू उसको जेआरएफ फेलोशिप मिलने वाला हो, तो वो बच्चा क्या करेगा, यहां पे भी क्लिक करेगा। जैसे आप यहां पे क्लिक करोगे, आगे का प्रोसीजर फॉलो करते हुए ये पूरा डिटेल्स यहां ट्रांसफर हो जाएगा। इट मींस कि यहां पे दो फॉर्म है, आपके ऊपर है कि आप कौन सा फॉर्म फिलअप करोगे अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग। जिन बच्चों को बस एग्जामटेड में जाना है, लाइक उनको नेट के थ्रू पीएचडी का एडमिशन लेना है, तो वो बच्चे यहां से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, ये मे भी थोड़ा स्लो चल रहा है, थोड़ा समय लग सकता है ओपन होने में। ठीक है, ये वाला जो प्रोसीजर मैं आपको बता रहा था, यहां पे जो आपने कॉमन पीएचडी एग्जाम दिया हुआ था उसके थ्रू आपको डालना है, फॉर्म भरना है। अब बाकी जो इसके बुलेटिन है आप लोग उसको पढ़ लेना, तो आपकी जो भी समस्याएं हैं, ऑलरेडी आप पीएचडी भाई होल्डर हो, पीएचडी के एस्पायरेंट हो, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। एक एग्जाम अभी आपका और होना है, रिसर्च मेथोडोलॉजी वाला 50 मार्क्स का। उसका जो पूरा प्रोसीजर एग्जाम का आप मुझे कमेंट करना, तो मैं आपको समझा दूंगा कि वो एग्जाम जो रिसर्च मेथोडोलॉजी के जो पॉइंट्स होते हैं वो कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो एज एग्जाम आपके टॉपिक जो चूज किए गए हैं आपके ही द्वारा, आपके विषय वस्तु से जुड़ा हुआ, कौन कौन सा वहां जाके ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन में जाके लिखना है। क्योंकि अभी आपका जो पेपर एक और होने वाला है, पेपर बी या ए जो भी है 50 मार्क्स का, वो ऑफलाइन होगा, उसके लिए आपकी डेट दी जाएगी। ठीक है, तो प्लीज आप सभी लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे निवेदन भी करूंगा कि आप लोग जो उनको सब्सक्राइब करें, क्योंकि भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको मैं समय के अकॉर्डिंग इन्फॉर्म करूंगा, बताऊंगा, समझाऊंगा, और उसको आप फॉलो करोगे तो कहीं ना कहीं आपकी जो समस्याएं बार बार आ रही हैं इस फॉर्म को लेके वो नहीं आएंगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी सभी समस्याओं का समाधान अब हो चुका होगा, और ये गुड न्यूज आपको अच्छा लगा होगा कि चलो बीएचयू ने अपना फॉर्म निकाल दिया। सो प्लीज आप जाके अपना फॉर्म भर सकते हो। इसकी लास्ट डेट यहाँ पे स्क्रॉल बार बार हो रही है, 27 दिसंबर रखा गया है, बाद में बढ़ भी सकता है, लेकिन फॉर्म समय रहते आप भर दो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो मुस्कुराते रहे, बहुत सारी शुभकामनाएं। और हमारे यहाँ बहुत सारे जो मेंटर्स हैं, जैसे संस्कृत का अध्यापक है हमारे अभिषेक भार्गव तिवारी सर, मानस सर, रिया मैम, ये लोग अपने अपने विषय का सीओटी प्रिपरेशन करा रहे हैं यूजी और पीजी लेवल पे। ठीक है, तो आप सभी से निवेदन है, आपके घर में जो भी छोटे भाई बहन है, कोई छोटा दोस्त है, कोई छोटी बहन है, तो आप उसे उन्हें रिकमेंड कर सकते हैं, जिससे कि वो क्या करें, कोर्स को ज्वाइन करें और अपनी बहुत ही कम पैसे में अपनी प्रिपरेशन कर सके। बेसिकली हम लोग प्रिपरेशन बाकी जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उसमें ये ध्यान रखते हैं कि हर बच्चा पढ़ सके, पैसे की वजह से किसी की पढ़ाई ना रुके, इस बात का हम लोग विशेष ध्यान रखते हैं। तो उतनी फीस ली जाती है जिससे कि हम लोग का पूरा जो भी खर्चा ऑनलाइन में आ रहा है वो हम लोग हमारा निकल जाए। ठीक है, तो प्लीज आप रिकमेंड जरूर करिएगा। मुस्कुराते रहे, बहुत सारी शुभकामनाएं, हर हर महादेव।